की पूरी टीम जम्मू संभाग के लोगों से और खासकर पूरे राष्ट्र से ही बात करने के लिए, अपना संदेश पहुंचाने के लिए मीडिया के माध्यम से उनके सामने आई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वयं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल एड्रेस कर रहा हूं, और स्वयं मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करूं इसके कुछ कारण बन पड़े थे, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां बन रही हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का जो बॉयज हॉस्टल है उसकी जो दीवार है, उसकी दीवार पे हिंदू नरसंहार जेनोसाइड की कॉल दी गई थी। सनातन मुर्दाबाद, इस्लामीकरण करना है, तरह तरह से कुछ स्लोगन्स लिखे गए थे, जिसके बाद जम्मू संभाग के लोगों ने, खासकर एकम सनातन भारत दल की टीम ने, अजय जी सामने हैं, बाकी मनोज जी हैं, तिलक जी हैं, ये सारी टीम है, बढ़ चढ़ कर जब विरोध किया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने जब अपनी आवाज उठाई तो उसके बाद कुछ हरकत यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने की। वो केवल हरकत थी, हरकत के बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, कौन से वो बच्चे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठ के जिहाद को चलाने का काम कर रहे हैं, उनकी शिनाख्त हुई, आइडेंटिफिकेशन हुई, नहीं हुई, इसके बारे में जम्मू संभाग के लोगों को कुछ पता नहीं। हिंदू जेनोसाइड की कॉल जम्मू की दीवारों पे, और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां पे माना जाता है कि बहुत मेरिटोरियस और पढ़े लिखे लोग आते हैं, बहुत लिबरेटेड लोग आते, वहां की ये घटना के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की ओर से किसी भी तरीके का कोई वक्तव्य नहीं आया। वक्तव्य आना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंदू नरसंहार जो है वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई इमेजिनेशन की बात नहीं है, वो निरंतर चल रहा है। 90 के दशक में कश्मीर से हिंदुओं का निष्कासन हुआ नरसंहार करके, उसके बाद आपने देखा कि टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से अभी भी लगातार जम्मू संभाग के हिंदुओं को धर्म के आधार पर मारा जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में जब हम देखें इस तरीके के स्लोगन्स जब यहाँ पे लिखे जाएं और कॉल दी जाए हिंदू जेनोसाइड की, तो एक बहुत सीरियस विषय हो जाता है, ना केवल हिंदू समाज के दृष्टिकोण से बल्कि न्याय के भी दृष्टिकोण से, ना केवल न्याय के दृष्टिकोण से बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। लेकिन कोई भी सेंसिटिविटी आपको पुलिस के आला अधिकारी की तरफ से नहीं दिखी, एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी से नहीं दिखी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनकी ये जिम्मेवारी है, जिनका ये दायित्व है कि यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा करें, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी को सर्वोपरि मान के भारत की एकता और अखंडता बचाने की जो शपथ उन्होंने ली है उसका निर्वहन करें, उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई वक्तव्य, कोई अश्योरेंस या फॉलो अप कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले, अब ये भी दिन देखने को आ गया था कि देखते ही रूह कांप जाए, गौ माता का कटा हुआ सर, हिंदू मेजॉरिटी जम्मू या जानीपुर एरिया के पब्लिक प्लेस में पड़ा हो और यहां पे लोगों का खून ना खोले। मैं आप सब लोगों से आज रूबरू हो रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो हमने कहना है, पुलिस को लेके जो कहना है, सरकार को लेके जो कहना है वो तो कहना ही है, लेकिन आपसे भी रूबरू होकर यह आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लीजिए। मैं जनता से निवेदन कर रहा हूं, और जो लोग अपने घर से 10 की संख्या में, 15 की संख्या में कम लोगों के साथ निकलते हैं ऐसे कुकृत्यों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, उनके साथ खड़े होइए। ये हमारी सुरक्षा, हमारे धर्म से जुड़े हुए मामले हैं, जब उन पे प्रहार होगा तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। यहां की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, रवैया है, वो किसी से छुपा नहीं है। वो जिहाद पे, जिहादियों पे पर्दा डालने का काम करती है। भरसक प्रयास ये किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के हाईएस्ट पदों पे बैठे हुए लोगों के द्वारा, कि किसी तरीके से हिंदुओं को चुप करवा लिया जाए। गले कट रहे हैं, कट जाएं, गोलियां मारी जा रही हैं हिंदू होने के कारण, हो जाए, दिखा देंगे किसी फर्जी कोई व्यक्ति को कहीं पे मार दिया गया, पाकिस्तान में मार दिया गया, कोई एनकाउंटर हुआ, कह देंगे ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने आके यहां पे टारगेटेड किलिंग्स की थी, ताकि लोग बोले ना। हिंदू नरसंहार को नरसंहार घोषित नहीं करेंगे। हिंदू नरसंहार को नरसंहार घोषित ना करने के कारण ही आज परिस्थिति ये बनी है
कि हिंदुओं के नरसंहार के लिए यहाँ की दीवारों पे लिखा जा रहा है। आपने अंग्रेजी में वो इडियम सुना होगा, राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पे जो लिख दिया जाता है वो फलीभूत होता है, तभी कहा जाता है कि इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, और इसलिए इसे सीरियसली लीजिए। आज मुख्यतः ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जानीपुर पुलिस स्टेशन में जो मुकदमा दायर हुआ है गौ हत्या के संबंध में, उसको लेके की जा रही है। ये इसकी एक पृष्ठभूमि थी कि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। मुझे बताइए, आप भी मीडिया के अधिकारी और जो लोग हमें सुन रहे हैं, जनता जो हमें सुन रही है वो भी अखबार पढ़ती है, टीवी देखती है, सब कुछ, किसी पुलिस वाले को, बड़े अधिकारी को देखा ये कहते हुए कि हम इस केस में बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन होगी, दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, कोई लेवल ऑफ कमिटमेंट किसी बड़े अधिकारी की तरफ से आया? जहां बात हिंदू सेंसिटिविटीज की हो, जहां बात सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म से जुड़ी हुई हो, इन लोगों को सांप सूंघ जाता है, ये मौन धारण कर लेते हैं। ये जो परपेट्रेटर है, जिसने वो कुकृत्य किया, किसी तरीके से उसकी सुरक्षा की जाए, उसके खिलाफ, उसकी कम्युनिटी के खिलाफ लोग ना बोले, वो कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, घर पे पुलिस भेज दी जाएगी, फोन करके धमकाया जाएगा। हिंदू विषयों को लेके आज जम्मू कश्मीर में परिस्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति उन विषयों के संबंध में सामने आके अपनी बात रखना चाहता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है, और सरकार जिहादियों के साथ खड़ी है। आज इसी बात पे मैं जोर देना चाहता हूं, बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर इनके जो कुकृत्य जम्मू कश्मीर में, खासकर LG के लेवल से नीचे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक के चल रहे हैं, उस पर करूं, बात लंबी होगी, डिविएशन होगी। आज मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, गौ माता के लिए खड़े हो जाइए। कटा हुआ सर फेंका था उन्होंने जानीपुर में, हमारा शर्म से सर झुका है, इसीलिए लोगों से निवेदन मैं ये कर रहा हूं कि जगह जगह निकलिए, सवाल पूछिए अपने नुमाइंदों से, सवाल पूछिए अपने आसपास के पुलिस वालों से, थानेदार से, सवाल पूछिए सरकार से। 370-35A के खात्मे से पहले गौ हत्या जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित थी, कानून था, बहुत ढीला कानून था। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं कि कानून था, गौ हत्या पे प्रतिबंध था, ढीला कानून था, कुछ नहीं होता था उस कानून के तहत। लेकिन 370-35A के खात्मे के बाद तो वो कानून भी खत्म हो गया, वो जो प्रतिबंध था गौ हत्या पे वो खत्म हो गया। हमने गुहार लगाई सरकार से, कानून बनाइए, बवाइन स्मगलिंग, काउ स्लॉटर के संबंध में सख्त कानून बनाइए। कुछ लोग जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने यहां के चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी, सरकार को हिदायत दी, कंसिडर करिए एक लेजिस्लेशन लेजिस्लेट करना। आज तक इन्होंने लेजिस्लेशन लेजिस्लेट नहीं किया। क्या मैसेज दिया भाजपा की सरकार ने? होम मिनिस्टर भाजपा के और उनके एजेंट LG यहां पे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि गौ हत्या पे हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, गौ हत्या को हम खुला छोड़ देंगे, लेजिस्लेटिव स्फेयर में कोई भी कर सकता है। आज पुलिस अधिकारी बीच में, बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी भी जो बबाइन स्मगलिंग के इंसिडेंट्स में बड़ा पॉजिटिव रोल निभाते हैं, वो क्या करें लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की एब्सेंस में? कौन सी सेक्शन लगाएं, किस तरीके से इन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजें? तो कोर्ट में जाके एक दिन में जमानत करा के ले आते हैं, कोई भी सेक्शन लगा दी जाए, कानून ही नहीं है। और कानून के साथ ही गौ माता के संरक्षण के संबंध में क्या किया जा रहा है? आज मस्जिदें मुसलमानों के पास हैं, चर्चे क्रिश्चियंस के पास हैं, धर्म के आधार पर जो पैसा इकट्ठा होता है वो उनके पास है, वो अपने काम के लिए, कन्वर्जन के लिए भी उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। हमारा माता वैष्णो देवी सरकार के पास है, 505 करोड़ रुपए एक साल के इकट्ठे होते हैं, 1 रुपया गौ माता के संरक्षण के लिए खर्च नहीं किया जाता सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि फैसला उस बाबू को लेना है जो एक सेक्युलर ऑफिसर है, जो एक हिंदू इंस्टीट्यूशन को वहां पे एडमिनिस्टर और मैनेज कर रहा है। और जब हम इस संबंध में भी आवाज उठाते हैं तो आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। हिंदू सशक्तिकरण, सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म से संबंधित कोई भी ऐसा काम जिससे धर्म संस्कृति सभ्यता का सशक्तिकरण हो, स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज की तरफ से रेजिस्टेंस आती है सबसे ज्यादा। पंगू बना के रख दिया है यहां पे समाज को, सनातन को, सनातन संस्कृति को, सनातन सभ्यता को। सनातन का इस्लामीकरण तो जम्मू कश्मीर के इस्लामीकरण से किया जाने का प्रयास हो रहा है ना। क्या सिक्योरिटी एजेंसीज को पाकिस्तान ISI, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, पैन इस्लामिक जो जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव के बारे में भी नहीं पता है? पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेनिंग मैनुअल जिन्होंने नहीं पढ़े, अगर हमारे पोजेशन में वो सारा इंफॉर्मेशन है और हम लड़ रहे हैं,
स्टेट अपरेटस से बाहर रह के, बिना किसी शक्ति के, सिर्फ अपने हृदय और मन की शक्ति को आगे रख के अगर हम लड़ रहे हैं, तो ये सरकारी अमला यहाँ पे क्या सुख सुविधाएं लेने के लिए बैठा हुआ, गाड़ियों की, बंगलों की? क्या इनका दायित्व नहीं है? क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं है? आपने सुना SHO जानीपुर के मुंह से कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन यहां तक पहुंची है, कोई अभियुक्त इस घटना में अभी तक पकड़ा गया है, कोई जानकारी है, कोई पब्लिक स्टेटमेंट जिससे दिखे कि सरकार इन मामलों में सीरियस है, कोई पोस्चर सरकार की तरफ से है? पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आने वाले समय भी नहीं होगा। मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि आज मिलके इस सरकार को चेतावनी दें, खासकर इन दो मामलों में अल्टीमेटम दें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर मान लीजिए, अगर आप अभियुक्तों को पकड़ के, मेडिकल कॉलेज जम्मू के भी और जिन्होंने गौ माता की हत्या की, सर काट के खुले में वहां पे फेंका, उनको भी नहीं पकड़ते हैं, तो फिर एक जन आंदोलन होगा। किस तरीके से इस समस्या से निपटना है उसका जवाब सड़कों पे दिया जाएगा। गौ रक्षकों के खिलाफ FIRs लखनपुर से शुरू हो जाइए, रामबन तक आप चले जाइए, जितने भी हिंदू गौ रक्षा का काम करते हैं, पुलिस के अधिकारी एक्सेप्ट फॉर फ्यू अधिकारी, कुछ अधिकारियों को छोड़ के, क्योंकि पर्सनली मैं जानता हूं कि उनमें से भी कई कुछ गौ भक्त हैं और गौ माता को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पैसा 1 रुपया नहीं है सरकार की तरफ से कि पकड़ने के बाद उनको खिलाना कहां है, संरक्षण कहां करना है, रखना कहां है, उनको छोड़ के सब गौ रक्षकों को भी दबाने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया कि गौ रक्षक गुंडे होते हैं, सारी पुलिस उसी तरीके से अट्यून हो गई? क्या प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में गौ संरक्षण के लिए कोई कानून बनाया? क्या LG मनोज सिन्हा ने कोई गौ संरक्षण के लिए, बवाइन स्मगलिंग, गौ स्लॉटर के अगेंस्ट कोई कानून बनाया? आप कानून नहीं बनाओगे तो अपनी सेंसिटिविटीज के बारे में, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म की सेंसिटिविटीज के बारे में क्या हम कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे? क्या कोई प्रयास नहीं करेंगे? जब हम प्रयास करते हैं तो सरकार बीच में आ जाती है और हमें दबाने का प्रयास करती है। 7 से 10 दिन का अल्टीमेटम है जम्मू कश्मीर की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर अभियुक्त नहीं पकड़े गए दोनों ही मामलों में, पहली प्रायोरिटी जो गौ हत्या का मामला है उस संबंध में, और दूसरा GMC मेडिकल कॉलेज में जो दीवार पर लिखा गया था, नहीं पकड़े गए, नहीं उचित कार्रवाई की गई, नहीं सेटिस्फैक्टरी कार्रवाई की गई, तो फिर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम भी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम सड़कों में जिस तरीके से आएंगे, जिस तरीके से हम मोबिलाइजेशन करेंगे, जिस तरीके से हम इन प्रोसेसेस के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ने का कदम आगे बढ़ाएंगे, गंभीर परिणामों के लिए हम भी तैयार हैं, गंभीर परिणामों के लिए सरकार भी तैयार है। धन्यवाद।